हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं टीवी 18 ब्रॉडकास्ट स्टॉक के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 52.90 पे। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो हम यहाँ पे क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसको भी गो थ्रू करेंगे और उसके बेसिस पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस पे हमारे सपोर्ट और टारगेट क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस बार के इनके जो Q4 के रिजल्ट आए उसमें इन्होंने बताया इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये डिक्लाइन होकर अभी हो गया है 143.61 करोड़ का। अगर हम डिटेल में देखें तो देखिए, यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इनका जो अगर हम यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो पिछले क्वार्टर से देखिए टोटल इनकम इनका था 1592 करोड़ का, जो कि इस बार घटकर हो गया है 1512 करोड़। उसी के साथ नेट प्रॉफिट पिछली बार था 200.34 करोड़, जो कि इस बार घटकर हो गया है 143.61 करोड़ का। और उनके जो EPS है 1.17 से अभी घटकर हो गया है 0.84। मतलब इस क्वार्टर में उनका जो टोटल इनकम है ये घट गया है, नेट प्रॉफिट घट गया है और उसके साथ ईपीएस ये भी घटते हुए नजर आया है। अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल था ये 1369 करोड़, जहां से ये बढ़कर हो गया 1512 करोड़। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ इनका जो ईपीएस है इसमें भी घटत ही दिखाई दी है। मतलब इस बार के इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है कुछ खास नहीं आए हैं। अगर हम यहाँ पे इस साल का ओवरऑल देखें तो देखिए टीवी 18 ने यहाँ पे हाईएस्ट एवर इनका जो फुल ईयर कंसोलिडेटेड ईबिटा है ये बताया था 1039 करोड़ का। और उसी के साथ इनका जो कंसोलिडेटेड मार्जिन है 18.8% से पिछले 4 साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। FY22 में इनका जो रेवेन्यू है 23% से इंक्रीज हुआ और April 22 में इन्होंने 3 डेडिकेटेड स्पोर्ट चैनल जो है यहाँ पे लॉन्च भी किए। और उसी के साथ Viacom 18 ने यहाँ पे रिलायंस और बोधि ट्री सिस्टम के साथ पार्टनरशिप भी अनाउंस की थी, जिसके चलते हुए यहाँ पे स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी भी आई थी। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की थी चार्ट में, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेकआउट की, 72 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसने 2 बार 3 बार यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसके बाद ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ पे बहुत भारी गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई दी है। इसने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बनाया था, लेकिन अभी देखिए स्टॉक जो है 52.90 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से आगे क्या, जैसे कि हमने देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे कुछ पुअर से आए हैं, तो उसके चलते हुए हमारे लिए अभी हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बन के आ रहा है 48 का। मतलब ये जो स्टॉक है यहाँ से फिसलते हुए 48 के लेवल जो है ये भी दिखा सकता है। यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बनता है 48 का। अगर ये सपोर्ट जो है आने वाले सेशन में ये अगर सस्टेन रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा जो सपोर्ट है ये अगर टूट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। और अगर ये भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारी टूटती है तो ये जो स्टॉक है फिसलते हुए नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 सेशन में ये जो स्टॉक है इसने बहुत ही ज्यादा भारी गिरावट के साथ यहाँ पे 52.90 पे क्लोजिंग दी है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे फिसल के 48 के लेवल के आसपास भी आता है तो भी यहाँ से एक थोड़ी बहुत पुलबैक की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक पुलबैक मिलता है तो हमारे लिए जो एक रेजिस्टेंस है वो बन के आएगा 64 का। मतलब यहाँ से 64 के लेवल अगर यहाँ पे सस्टेन होते हैं तो ही उसके बाद हम ये जो स्टॉक है इसमें एक बहुत ही अच्छी रैली के बारे में सोच। लेकिन हमारे ये जो 64 के लेवल अगर यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ सकता है। तो देखिए अभी जो स्टॉक है यहाँ पे हमारे पास 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक ठीक है। अगर ये हमारा 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे 48 के जो लेवल है वो दिखाई दे सकते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ ये जो स्टॉक है फिसलते हुए आ सकता है। तो अपने लेवल्स का जरूर ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों ने बहुत ऊपर के लेवल पे यहाँ पे बाइंग की है उन्होंने भी यहाँ पे जो लेवल है हमारे सपोर्ट 48 का इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्टॉक जो है थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे MACD देखते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे बेयरिश क्रॉसओवर हो गया था और उसके बाद स्टॉक जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आया। अभी के लिए स्टॉक जो है ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड पोजीशन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो अगर यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर होता है तो यहाँ से हम एक पुलबैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेवल जैसे कि हमने बताया यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे लिए 64 का है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हम आगे के लेवल के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की आपके लिए वैल्यूएबल जरूर रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।